एडवोकेट सुभान खान साहब हमारे बीच तशरीफ रखते हैं। हम उनका पूरी कमेटी की तरफ से एक बार फिर से शुक्रिया अदा करते हैं। मैच का टॉस हुआ, टॉस सहारा क्रिकेट क्लब मोदहा के कप्तान बस्ती ने जीता है और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है। और हमारे कमेटी के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बाउंड्री के चारों तरफ फैल जाए। आज बहुत ही ज्यादा भीड़, ये बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है। बहुत ही बड़ा नाम बस्ती भाई मोहम्मद वसीम उर्फ बस्ती ओपनर कैप्टन कैप्टन सहारा टीम के कैप्टन बस्ती और नॉन स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज है बस्ती। एक प्लेयर को अब हमारे पास भेजा दो, एक एक्स्ट्रा प्लेयर आ जाए और शायद जो मोहन भाई कुरारा से आए हैं टीम के कोच हो या मैनेजर हो वो भी हमारे पास आ जाए, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और एक ओवर के बाद आप उनकी बहुत ही खूबसूरत आवाज में खूबसूरत कमेंट्री सुनेंगे। हमको तो रोज बोलना है, वो हमारे मेहमान है। आज इस मैच की कमेंट्री हमारे भाई कुरारा से चल करके आए हुए हैं मोहन भाई, अगली आवाज उनकी होगी। नॉन स्ट्राइक, हेलो, नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज कौन है भाई? नीरज। स्ट्राइक पर है बस्ती और नॉन स्ट्राइक पर नीरज। बॉलर तो मोहन भाई खुद जानते होंगे, मधुसूदन। कलाई पहुंचा दे, जुम्मू कहाँ है? जुम्मू सलमान कमेटी सदस्य कलाई लेकर पहुंचे। मोहन भाई यहीं आइए, स्कोर भी है ना यहाँ पे, वहां से दिक्कत होगी, आप आइए, मैं उठूंगा ना, आप आइए। देखिए भाई क्या खूबसूरत आवाज है, क्या खूबसूरत कमेंट्री होगी। एक बार फिर से मैं अपने भाई मोहन भाई का अपनी मोदहा की सरजमी पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और दोनों अंपायरों से गुजारिश है, इस मैच के अंपायर हैं अन्नी और कमरुद्दीन, बहुत ही अच्छी अंपायरिंग कर रहे हैं दोनों इस टूर्नामेंट में। चलो बच्चे दौड़ के आओ, सनी मेमोरियल रात्रिकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले राउंड का ये नवा मुकाबला आज जल्ला क्रिकेट क्लब कुरारा और सहारा क्रिकेट क्लब मोदहा के बीच बस कुछ ही पलों में शुरू होने वाला है। टॉस सहारा क्रिकेट टीम के कप्तान बस्ती ने जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। और आगे का आपको देखा हाल हमारे भाई मोहन भाई आपको सुनाएंगे। देखो थोड़ा सुनो तो अभी अंपायर के पास रहो। बहुत बहुत आभार इस कमेटी के सभी सदस्यों का और बहुत ही भव्य आयोजन रात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट का विशाल आयोजन मोदहा की सरजमी पे ये आयोजन चल रहा है। और चलते हैं मैदान की ओर, सुना एक बार सामने है बल्लेबाज टीम के कप्तान बस्ती गेंदबाज है मधुसूदन, अंपायर सेकंड डाउन, दाहिने हाथ से उठी गेंद उठा करके खेला है और गेंद सीमा रेखा से बाहर, अंपायर के सारा ये 6 रनों का बहुत ही शानदार शुरुआत मोदहा टीम के कैप्टन बस्ती के द्वारा। ये पहली ही बॉल को पकड़ लिया और गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए भेजा। बहुत ही अनुभवी दोनों ही बल्लेबाज
बस्सी बहुत ही बड़ा नाम, बहुत ही बड़े प्लेयर, एक जमाने में ये लेजर के बहुत ही अच्छे प्लेयर थे और अब जमाना कॉस्को का है, तो उसमें भी अपना बखूबी खेल दिखाते हुए पुनः तैयार मसूदन की गेंद का सामना करने के लिए। मसूदन चले अंपायर सिंगल डाउन, दाहिने हाथ से उनकी गेंद और इस बार बाहर निकलती हुई गेंद पर शॉट खेला है, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ और सीमा रेखा से बाहर, ये चार रनों के लिए कवर ट्राई, बहुत ही बेहतरीन पढ़ लिया उनकी गेंदों को और गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर भेजने का बखूबी काम करते हुए बस्सी पुनः तैयार। मसूदन और सीधे सलमान डिफेंडर, उनके हाथों में गेंद गई और इस तरीके से उन्होंने चलता किया, पहली सफलता पुराना टीम के गेंदबाज को मिलती हुई। मसूदन जो कि दो गेंदों पर 10 रन खर्च कर चुके थे और इस तीसरी गेंद पर शानदार वापसी करते हुए अपनी टीम को एक सफलता अर्जित कराई। अब उनका स्थान लेने आए हैं नए बल्लेबाज आदर्श, जल्ला क्रिकेट क्लब पुराना की टीम के सभी प्लेयर्स बिल्कुल तैयार और बस्सी बहुत ही अच्छे खिलाड़ी, समझ नहीं पाए गेंद को और सीधे सलमान के हाथों कैच आउट हुए और पुनः एक बार तैयार मसूदन, सामने है बल्लेबाज आदर्श। चले मसूदन अंपायर सिग्नल पार करते हुए दाहिने हाथ से बहुत ही अच्छा निर्णय है दोनों ही स्थानीय अंपायर।